हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। बॉलीवुड एक्ट्रेस की लाइफ जितनी चमक धमक से नजर आती है, उतनी ही अंधेरे से भी ये भरी होती है। बॉलीवुड की कई सुपरहिट एक्ट्रेस ने जहां सक्सेस देखी, तो वहीं पर निजी जिंदगी में बेहद खराब हालत भी देखे। ऐसा ही एक वाक्य तब सामने आया जब एक जमाने में सुपरहिट एक्ट्रेस रह चुकी जयप्रदा ने अपने बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब मैं आत्महत्या करना चाहती थी। ये खुलासा उन्होंने मुंबई में क्विंसलाइन लिटरेचर फेस्टिवल में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने बताया कि ये वो दौर था जब लोग उनका नाम बिना किसी कारण अमर सिंह के साथ जोड़ रहे थे। उसी दौरान उनकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें लीक कर दी गई थी। जयप्रदा ने बताया कि मेरे लिए अमर सिंह गॉडफादर है। जब मेरी असली तस्वीरें फैलाई गई तो मैं रो रही थी और आत्महत्या करना चाहती थी। आपको बता दें, 2009 में जयप्रदा ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर उनकी अश्लील तस्वीरें लीक करने का आरोप लगाया था। जयप्रदा के इस खुलासे ने सभी को सकेत में डाल दिया कि निजी जिंदगी की बात करें तो जया की लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है। जया ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से 1986 में शादी की थी। ये शादी इसलिए विवाद में रही क्योंकि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना नाहटा ने जया को अपना लिया था। बाद में नाहटा की पहली पत्नी और जया में दोस्ती होगी और दोनों साथ में ही रहने लगी।